आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, उसका नाम है KSB लिमिटेड। जी हाँ, विदेशी प्रमोटर की यह कंपनी जर्मन की दिग्गज कंपनी है, जर्मनी की KSB एसी और इसकी सब्सिडरी कंपनी है KSB लिमिटेड। हिंदुस्तान में जर्मन प्रमोटर्स की 40% हिस्सेदारी है। हिंदुस्तान में यह कंपनी इंडस्ट्रियल पंप और वॉल सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में शामिल है। एग्रीकल्चर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एनर्जी सेक्टर के लिए पंप्स बनाने का कारोबार ये कंपनी करती है, साथ ही ऑयल एंड गैस, पेपर, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी कारोबार करती है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी के और सालाना 1.5 लाख पंप्स बनाने की कैपेसिटी है कंपनी की। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि NIT इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपने डिग्री ली है और KSB से 1985 से वो जुड़े हुए हैं और 2016 से इस कंपनी के MD भी बने हैं। राजीव जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, आपका शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त बिजनेस के माहौल पर ही आपसे एक राय लेना चाहता हूँ। मॉनसून इस बार फिर से अच्छा आने की उम्मीद की जा रही है, 4 साल तक लगातार अच्छा मॉनसून, और जाहिर सी बात है आपका कारोबार काफी हद तक मॉनसून से जुड़ा हुआ होगा, राइट? कैसी डिमांड देख रहे हैं आप, बिजनेस के लिए माहौल कैसा है सर? धन्यवाद सिंघवी जी, हमको हमारी कंपनी को इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बिजनेस का माहौल अभी जून महीने से काफी अच्छा खुल के आ रहा है और काफी बेहतरीन हो रहा है। ये जो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट था, मेरे ख्याल से सिर्फ एक क्वार्टर के लिए था, बट काफी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म है और काफी ट्रैक्शन दिख रहा है हर एक सेगमेंट में। और मॉनसून में भी यस, काफी हमारा योगदान और पार्टिसिपेशन है। एग्रीकल्चर पंप सेट्स हम बनाते हैं, तो अच्छा मॉनसून होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि एग्रीकल्चर पंप सेट्स की डिमांड भी अच्छी होगी और हमको इसमें अच्छा मार्केट शेयर भी मिलने की उम्मीद है। ठीक बात है। और पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे, मार्च तिमाही के, जो आपके लिए पहली तिमाही होती है आमतौर पर, क्योंकि आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, सर रेवेन्यू बड़ा दमदार आया, कामकाजी मुनाफा 3.5 गुना, मुनाफा 4 गुना, मार्जिन्स 6% से 16%। तो सबसे ज्यादा मैं मार्जिन्स देखकर थोड़ा सा दंग रह गया कि इतने तगड़े मार्जिन्स है, वजह क्या है और फिर क्या इस पूरे साल आपको लगता है कि ये मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे सर? इस मार्जिन्स का पैंडेमिक टाइम में हमको काफी वक्त मिला, हम इसमें हम अपना इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलिए या अपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स के लिए काफी हमने इसमें ध्यान दिया और इससे हमने अपनी इंटरनल एफिशिएंसी काफी बढ़ाई। उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट पे काफी हमने नियंत्रण रखा और फिक्स्ड कॉस्ट पे काफी कंट्रोल रहा हमारा। तो और दूसरी तीसरी बात ये थी कि मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कमोडिटी प्राइसेस भी पिछले साल काफी काफी हद तक स्टेबल थे, तो इन सब कारणों से और प्लस ओवरऑल हमने सेल्स रेवेन्यू 2 क्वार्टर्स में अच्छा, हमारे 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो महाराष्ट्र में है और एक कोयम्बटूर में है, इन स्पाइट ऑफ द कोविड बीइंग इस एरिया में काफी स्ट्रांग इफेक्ट था, उसके बावजूद हमने काफी अच्छा आउटपुट निकाला प्लांट से, तो सेल्स भी अच्छी रही और ये सब रीजन से मार्जिन्स भी अच्छा रहा। जहां तक इस साल का फोरकास्ट है, आई थिंक कमोडिटी प्राइसेस में काफी बढ़ावा आया है, हलचल हुई है, तो ये एक मार्जिन्स पे प्रेशर जरूर आएगा, बट उसके लिए भी हमने अगेन मिटिगेशन मेजर्स लिए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट पे काफी कंट्रोल किया है, डे टू डे प्रोसेस इंप्रूवमेंट मैंने कहा, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की कॉस्ट और वारंटी कॉस्ट, ये सब चीजों पे काफी ध्यान दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस कमोडिटी प्राइस की इंक्रीज के बावजूद हम लोग मार्जिन्स को मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे। ठीक बात है, तो मार्जिन्स बढ़िया है, डिमांड अच्छी है, रो मटेरियल प्राइस आपने कहा कि फिक्स कॉस्ट को आपने बढ़ने नहीं दिया, रो मटेरियल प्राइस पिछली बार थोड़ी ठीक रही है, लेकिन इस साल अब जो कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो सर पिछली बार तो चलिए आपने मैनेज कर लिया, इस बार तो लगभग सारी कमोडिटीज के दाम ऊपर है, तो फिर क्या आप दाम बढ़ाएंगे पंप्स के, ये नहीं तो मार्जिन्स मेंटेन कैसे करेंगे सर? मार्जिन्स यस, प्राइस हमने प्रोडक्ट्स की बढ़ाई है, बट उसको भी हमने लिमिट में बढ़ाई है, मतलब पूरी नहीं बढ़ाई है क्योंकि हमने इंटरनल एफिशिएंसी पे भी काफी काम किया है,
बट यस पार्ट ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस हमने प्राइसेस लास्ट 2 महीने में बढ़ाई हैं ताकि वो मार्जिन्स रिकवर कर सके। ठीक है। अच्छा सर एक चीज और बताएं कि चूंकि आप पंप्स बनाते हैं तो एक अंदाजा दीजिए कि कितनी आपकी सप्लाई मतलब फार्मर्स वगैरह को है, कितनी इंडस्ट्रीज में है, कितनी गवर्नमेंट को है, इसका कोई एक बाइफर्केशन है, मतलब बिजनेस ज्यादा कहां से आता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। केएसबी का बिजनेस सभी सेगमेंट्स में फैला हुआ है काफी। अभी अगर आप फार्मर्स या एग्रीकल्चर की बात करें तो करीब 20-25% हमारा बिजनेस एग्रीकल्चर से आता है और इंडस्ट्री में भी करीब 15-17% है। फिर हम केएसबी ऐसी कंपनी है जो सारे मार्केट सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। तो आप अगर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लें उसमें भी हमारा 7-8% अपनी टर्नओवर का उसमें कंट्रीब्यूशन है। उसमें अलग से एक एनर्जी सेक्टर है जहां पर हम लोग काफी पार्टिसिपेट करते हैं एनर्जी में, पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स और FGD, ये सारे मिला के करीब 25-30% इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर ऑयल एंड गैस मार्केट में जहां API पंप्स वगैरह लगते हैं वहां भी हमारा 15-20 है, प्लस एक्सपोर्ट भी 17-18% है। तो ये सारे सेगमेंट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप चाहे वेस्ट वाटर ले लीजिए, चाहे बिल्डिंग सर्विस, चाहे इंडस्ट्री और पावर सेक्टर और एग्री, एक बड़ा और मार्केट है जो रेजिडेंशियल डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें भी हमारा छोटा सा शेयर है 5% के करीब जो हम अभी बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा सर जैन साहब ये भी बताएं फिर इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है, इस साल कितने और नए ऑर्डर्स आने की आप उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा कितने साल तक के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी है उस ऑर्डर बुक के लिहाज से? ये देखा जाए तो एक हमको न्यूक्लियर बिजनेस में काफी कामयाबी मिली है और न्यूक्लियर जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है 700 MW पावर प्लांट लगाने का। अगर आपको मैं हिस्ट्री में ले जाऊं तो इंडिया में करीब 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट कमीशन्ड हैं, इसमें से 21 हैवी वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर के हैं और 3 और कमीशन हो रहे हैं, इससे लगभग 10 गीगावाट की पावर न्यूक्लियर से आएगी। और उसमें लगभग सारे पंप्स जो मेन पंप्स हैं रिएक्टर कूलेंट पंप्स वो KSB ने सप्लाई किए हैं और आगे भी गवर्नमेंट ने 12 ऐसे प्लांट्स लगाने की घोषणा की है और दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हैं। वो दो प्लांट्स के लिए हमको 2019 में ऑर्डर भी मिला था, वो एग्जीक्यूशन में है, वो करीब 450 करोड़ का ऑर्डर था और वो अगले साल से पंप्स डिलीवर होने शुरू होंगे और आगे भी ये 10 पावर प्लांट्स के लिए टेंडर्स आएंगे, रिक्वायरमेंट्स आएंगी और इसमें हमको अच्छे मार्केट शेयर मिलने की उम्मीद है। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है ये करीब 8-10 साल तक चलेंगे, तो एक न्यूक्लियर एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी और एक फ्यूचर ऑर्डर बेस बनेगा। उसके अलावा जो हमारी नॉर्मल अदर बिजनेस है उसमें करीब इस साल के लिए ऑलरेडी अगर आगे का देखें तो नॉर्मली केस भी हम जनवरी से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर रखते हैं, बट अगर आगे के महीने के लिए देखें तो हमारे पास ऑलरेडी 8-9 महीने का ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी है। और क्योंकि हमारी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस जो रनिंग बिजनेस होती है वो जैसे गोडाउन से होती है, जो वेयरहाउस से होती है, वो ऑलमोस्ट 40-50% है, तो वो तो नॉर्मल चलती रहती है। एंड वो जो बाकी प्रोजेक्ट बिजनेस है, इंजीनियर्ड बिजनेस, वो भी 40-45% है, तो उसकी ऑर्डर बुकिंग हमें ऑलरेडी है 7-8 महीने की। और आगे हम ऑयल एंड गैस मार्केट में, FGD मार्केट में और न्यूक्लियर का मैंने कहा ही, तो ये सारे तीनों सेक्टर्स में काफी प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है और हम लोग का मार्केट शेयर इसमें अच्छा होना चाहिए। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बिजनेस का इस वक्त KSB लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। राजीव जैन साहब MD हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से आपने बातचीत की, आगे का आउटलुक भी बताया और कंपनी की जो शानदार परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में रही है उसके भी पूरे आपने कारण बताए। धन्यवाद आपका सर।